आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ चैनल। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर कमिश्नर के अधिकारियों की तरफ से भ्रष्टाचार की। जनता की है यही पुकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। मालेगांव शहर दयाना विभाग में दलित सुधार बस्ती के नाम पर जो फंड आता है, उस फंड से 36 लाख रुपए की लागत से RCC नाले का काम जारी है, जो नहायत ही घटिया क्वालिटी में, एस्टिमेट में रेती लिखी होती है और काम में पूरी तरीके से ग्रीड का इस्तेमाल किया जाता है। जब सवाल पूछे जाए तो कहा यह जाता है कि रेती से बेहतर ग्रीड है, तो फिर रेती का इस्तेमाल अपने खुद के घरों में बनाने के लिए क्यों नहीं किया जाता? महानगर पालिका के काम में या PWD के काम में ही क्यों ग्रिड का इस्तेमाल किया जाता है? जब अगर बेहतर है तो अपने घर भी खुद के RCC में जो बनाते हैं उसे ग्रिड में क्यों नहीं बनाया जाता? यहाँ पर RCC का नाले का काम 36 लाख रुपए की लागत से जारी व सारी है, लेकिन जिस काम में RCC काम में जहाँ पर 1.5 इंची खड़ी रेती सीमेंट का इस्तेमाल होना चाहिए, तो वहीं इस काम में 6 इंची पत्थर से लेकर डब्बर तक का इस्तेमाल किया जा रहा है। जब हम अब तक न्यूज़ थी तो हमने वहां से पूछा कि भाई सिटी इंजीनियर कौन है, तो सिटी इंजीनियर का नाम बताया गया। हमने उनको फ़ोन किया, उन्होंने हमारा फ़ोन भी रिसीव नहीं किया ताकि हम उनसे कुछ सवाल पूछ सके। हम एक घंटा मौके वारदात पर मौके की जगह पर, जिस जगह काम चल रहा है उस जगह पर हम लोग मौजूद थे, लेकिन कोई भी इंजीनियर वहां पर नहीं आया। वहीं से हमने महानगर पालिका के कर्मचारी मारवाड़, जो महानगर पालिका के इंजीनियर है प्रभाग 2 के, उनको फ़ोन किया, लेकिन वो भी वहां पर आने से इनकार कर दिया। तब हमने खुद इस काम की जांच के लिए जब वहां पर मुआयना करना शुरू किया, तो आप अपनी स्क्रीन पर अपनी आंखों से देख सकते हैं कि इस RCC नाले में किस तरीके से डब्बर का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने जब वहाँ पर काम कर रहे लोगों से, जो मजदूर थे, जो लेबर थे, उनसे हमने पूछा, तो ये देखिए, आप देख सकते हैं इसमें डब्बर डाला गया है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पर डब्बर। बताइए RCC के काम में डब्बर की क्या ज़रूरत है? ये बिल्कुल भी गैर कानूनी काम है। जब हमने इसकी रुंदी और इसकी हाइट के बारे में पूछा, तो रुंदी और हाइट्स भी हमें जो दिखाई गई है, हम बहुत जल्द इसके ऊपर एक मायती अधिकार लगाकर इसकी मुकम्मल जानकारी, इसका इस्टीमेट और इसकी पूरी सत्य परत लेने की बहुत जल्द कोशिश करेंगे और इस काम में चल रहे भ्रष्टाचार को भी उजागर करेंगे। अब आइए आपको और दिखाते हैं कि इस RCC नाले में किस तरीके से डबर और बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देखिए, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, हम कोई झूठ बात नहीं करते, हम मौके की जगह पर मौजूद थे और उस जगह पर हमने खड़े रहकर ये सारी चीज़ें खुद शूट किए। ये जो काम करने वाले लोग हैं, ये किस तरीके से आप इस पीछे देख रहे हैं कि बड़े बड़े पत्थर ये डाल रहे हैं, जबकि इस पत्थरों का इसमें डाला जाना बिल्कुल भी इस्टीमेट में नहीं है। RCC नाला का मतलब ये होता है, ये देखिए इस तरीके के डब्बर का इस्तेमाल इस नाले में किया जा रहा है। इस ताल्लुक से मेरी बात इस वार्ड के कॉरपोरेटर से भी हुई, जिसके दलित सुधार बस्ती का ये फंड है, लेकिन उसने भी इस पर कोई खासा कार्रवाई करने से इनकार कर दिया और कहा कि अभी काम होने दो, देखेंगे बाद में। जबकि ये इतिहास का पहला नाला इस इलाके में बनाया जा रहा है और हमें गारंटी है कि इसके बाद ये नाला 20-25 सालों तक बनने वाला नहीं है। अगर इस प्रकार से, ये देखिए, ये RCC के काम में इस प्रकार से डबर डाले गए हैं, क्या अब कमिश्नर साहब इस शहर के इस काम को रोकेंगे, क्या इन पे पेनल्टी मारेंगे या इस काम को दुरुस्त करवाएंगे? ये एक सवाल है, लेकिन हम इस पर कानूनी कार्रवाई ज़रूर करेंगे, क्योंकि यह आने वाले वक्त में इस इलाके के लोगों के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है। अगर ये नाला जब बन जाएगा तो जाहिर सी बात है पूरे रमज़ान पूरे की हर गडर को लाकर इसी नाले से जोड़ा जाएगा, लेकिन ये नाला इस तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट अगर चढ़ जाता है और ये नाला नहीं टिक पाया, साल, दो साल में, चार साल में, पाँच सालों में अगर ये नाले ने अपनी कंडीशन छोड़ दी, ये टूट गया,
तो इसका असर यह होगा कि पूरे रमजान पूरा दयाना विभाग का आने वाला पानी इस नाले का आए दिन इस कुसुम्बा रोड की सड़कों पर होगा और जिससे आने जाने वाले लोगों को बे इंतहा तकलीफ और परेशानियां सालों तक उठानी पड़ेंगी। अगर आज इसके ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया, आज तवज्जो नहीं दी, आज अगर हमने इसके ऊपर कोई सख्त एक्शन या सख्त कार्रवाई नहीं की तो आने वाले वक्त में इस पूरे इलाके को बे इंतहा तकलीफ और परेशानियां होने वाली है। ठेकेदार कॉरपोरेटर तो माल बनाकर निकल जाएंगे लेकिन तकलीफ और परेशानियां इस इलाके में रहने वाले 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को उठानी पड़ेंगी। अब आप बताइए कि मेरा यह आवाज़ उठाना सही है या गलत है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर ये सही है तो मेरा साथ दीजिए। ये देखिए इस डबर का इस्तेमाल, यहाँ पर जो मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ये डबर का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, और यूँ ही नहीं बाकायदा डबर के ट्रैक्टर यहाँ पर उतारे गए हैं। मैं वो भी आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पर डबर और बड़ी बड़ी खड़िया, यहाँ पर ये 6 से 7 इंच की खड़ी है, जबकि ये एस्टिमेट में नहीं होती है, ये बिल्कुल भी गैर कानूनी काम है। RCC नाले में 1.5 इंच से ज़्यादा की खली का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एस्टिमेट में रेती लिखी हुई है, आप रेती का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल रेती का नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, पूरा काम ग्रिड में किया जा रहा है। ये रेती दिखावे के लिए थोड़ी सी रेती यहाँ पर मतलब जो है तो रखी गई है, ये काम पूरा ग्रिड में हो रहा है। जबकि हमने कई इंजीनियरों से ग्रिड के ताल्लुक जब से पूछा कि ग्रिड के काम की क्वालिटी क्या होती है, तो उन्होंने सिरे से ही इस ग्रिड के काम को खारिज किया कि ग्रिड बेहतर नहीं है रेती से। क्या ये ग्रिड कितनी पार्टी ले रहे? 10 पार्टी। और रेती? रेती नहीं है, रेती नहीं है, पूरा काम ग्रिड में हो रहा, पूरा तो ये थी सच्चाई अब तक की जो हमने आपको दिखाई है। आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आप देखते रहिए अब तक न्यूज़, और मैं जाबिर शाह फिर सवालों के साथ आपके बीच हाजिर होता रहूँगा। ये देखिए डब्बर इस तरीके से यहाँ पर उतारे गया है, इसमें काम किया जा रहा है, ये काम सही है या गलत है आप खुद सोचिए और बताइए कि जाबिर शाह का यह आवाज़ उठाना आपको कैसा लगा। फिर मुलाकात करेंगे किसी अगले सवाल के साथ, मैं मिलूँगा।